वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है माविया की कैटरी का। जैसे कि हमने आई थिंक 3 या 4 महीने पहले वीडियो डाले थे और उस टाइम अपडेट दिए थे, और अभी कई सारी चीज़ें नई है, कुछ पुरानी भी है। तो माविया, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल कैट है वो कौन कौन सी कैट है यहाँ पर अभी फ़िलहाल, जो लास्ट टाइम थी? फिलहाल मैंने अभी कम कर दिया फिलहाल तो। हाँ? मेरे पास एक मेल है मेरा। हाँ? और 4 फीमेल है उसके साथ। एक मेल है और 4 फीमेल है, तो आपने कम क्यों कर दिया? क्योंकि आप हाई म्यूटेशन पे जा रहे हो, जैसे कि आपने बताया था कि लॉन्ग हेयर और कौन कौन सी है? लॉन्ग हेयर के ऊपर मैं जा रहा हूँ, लॉन्ग हेयर शो क्वालिटी में। हाँ हाँ। और ये कलर व्हाइट कलर में ज़्यादातर मैं चाहूँगा, व्हाइट कलर में ज़्यादा लॉन्ग हेयर में। और जो आती है एक्सट्रीम पंच फेस, जो कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है वो, कि आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि उस पर आप जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लोगों को ये बताना चाहेंगे, अगर कोई किसी के पास कैट है तो वो कैसे मीन्स उसकी देखभाल करें, क्या खिलाए क्या पिलाए, कैसे उनका, जैसे हेयर फॉल पे भी हम उस पर डिस्कस करेंगे। हेयर फॉल का मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास भी 2 कैट है, तो उसका भी हम आप लोगों को बताएंगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप खाना कौन सा खिला रहे हैं इनको, क्योंकि आप अलग अलग देते हो। कौन कौन सा है आपके पास फीड? फिलहाल तो अभी जो यूज करवा रहा हूँ फैजान भाई, मियाऊ टूना यूज करवा रहा हूँ। मियाऊ टूना जैसे कि वो रखा है वही है क्या? हाँ, वो उसके बर्नी के अंदर रखा है, रेड कलर का रहता है। हाँ, मियाऊ टूना जैसे कि ये है। और दोस्तों ये है इनकी कई कैट्स, इसमें से सेमी पंच है, कैलिको है, लॉन्ग हेयर है, और डबल कोट में भी है, ट्रिपल कोट में भी कैट है। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हमारे ये इस टाइप की एक कैट, ये तो वो है नहीं, ये नहीं है वो, ये फीमेल है, मेल है? ये मेल है, पकड़ो उसको। ये रशियन ग्रे कलर का। हाँ, रशियन ग्रे कलर का। तो दोस्तों ये है रशियन ग्रे कलर का मेल है। और एक मेरे को जो बहुत ही प्यारी लगी ये है कैलिको। कैलिको एक नहीं है दोस्तों, कैलिको तीन कैलिको है। तो एक तो ये बताइए, ये मेरे पास तो डार्क कैलिको है। डार्क कैलिको में है, डार्क कैलिको में दोस्तों ये है। और दूसरी वाली जो कैलिको है आपकी, एक तो ये रही, ये डार्क लाइट में है, लाइट कैलिको है, मैं इनको रखता हूँ। हाँ, ये एक दोस्तों ये है और एक ये है, ये दो माशाल्लाह, ये देखिए आप पूरे एक्सट्रीम बच्चे हैं, दो कैलिको है, ये जो है ये माशाल्लाह। हाँ, ये इधर भी है, ये कैलिको, ये पूरे एक्सट्रीम बच्चे हैं सब। तो दोस्तों ये है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले हमारी ये बात करेंगे कि आपने जहाँ पर रखा, क्योंकि इतनी सारी कैट्स को एक जगह रखने में फाइट नहीं होती इनकी? नहीं, फिलहाल तो जैसा कुछ बड़ी कैट आती है सर, जो थोड़ी खतरनाक टाइप में रहती है, तो उनको मैं सेपरेट रखता हूँ, कुछ दिन सेपरेट ही रखते हो, थोड़े दिन के बाद फिर अलग कर देता हूँ। ओके, लगता है फाइट, और अक्सर तो किटन में नहीं हो पाती है फाइट, किटन में फाइट नहीं होती है, किटन है अवेलेबल जो, तो उसमें फाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं, फाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, सब फ्रेंडली है, आप देख सकते हो कई सारी है। और जैसे कि आपने ये रखा है ओपन इन्वायरमेंट है, तो इसका वेंटिलेशन का तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है आपको। वेंटिलेशन तो मुझे लगता है कोई सा भी जानवर हो उसको वेंटिलेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी केयरिंग, अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू बंदा है तो केयरिंग के हिसाब से क्या क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? केयरिंग के लिए तो ऐसा है कि इनको जो पर्शियन कैट है, ठीक है, इनको वैसे खैर सर्दियों का इतना मसला नहीं रहता है, ओके, ठीक है, लेकिन गर्मी जो रहती है, गर्मी रही तो आप मान के चलिए इनके बाल के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, यानी इनको इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन। ओके, तो उसका ट्रिम करना पड़ेगा? हाँ, ट्रिम करना जरूरी है, यानी साल में एक बार कैट को ट्रिम करना बहुत, उसके बाल फिर वही के इसमें कितने टाइम में आ जाते हैं? कंप्लीट 5 महीने के अंदर आ जाते हैं वो, पूरे के पूरे वापस रिटर्न आ जाते हैं। ओके, ओके, तो बहुत जरूरी है उससे क्या है फैजान भाई कि नए बाल भी आते हैं। हाँ? और कम झड़ते हैं। ओके, और दूसरी बात कि कभी इन्फेक्शन होता है इनको तो उससे फिर केयरिंग करना पड़ती है ना, इन्फेक्शन से तो खास तौर से बचाना है। ओके, तो ज्यादातर बारिशों में होता है वो, बारिश में इस वजह से, क्योंकि इनकी जो लीटर में रेत वगैरह रहती है जैसे कि बहुत ज्यादा गीली रह पाती है बारिश में,
उसके लिए अपने को हर दो दिन में चेंज करना है, जिसके पास ज्यादा केट है तो एक दिन में, हर एक दिन आप हर दिन चेंज करते हो? मैं हर दिन चेंज करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा है तो मेरे को चेंज करना पड़ता ही है हर दिन। तो ये पूरी रेत फेंकना पड़ती है कि दूसरी रेत? फेंक के नई यूज करे, और उसको जो अपनी जो ट्रे है उसको अक्सर फिनाइल वगैरह या इससे पोछा भी लगा लिया कर, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तो उससे एक एडवांटेज यहाँ पर होता है। तो ये है इनकी सारी की सारी। और वो और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर 2 से 3 महीने का किटन हो तो उसको स्टार्टिंग में कौन सा खाना देना चाहिए? ये तो आप एडल्ट का दे रहे हो, मतलब ये एडल्ट बच्चे दोनों के लिए है क्या, अलग अलग है? नहीं, ये जो है अभी ये किटन के लिए है, किटन के लिए तो मैं अलग यूज करवाता हूँ, एडल्ट को भी किटन का ही यूज करवाता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हाँ, है कोई प्रॉब्लम नहीं, किटन को एडल्ट का यूज करवाने से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लूज मोशन? जैसे क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे लूज मोशन की आई, अब जो नया इंसान है तो वो एकदम यानी घबरा जाता है बहुत जल्दी, तो वो अब ऐसा है लूज मोशन लगे फैजान भाई तो एक दिन में सही नहीं होंगे, तो अब इंसान इतना घबरा जाता है कि वो सोचता है कि अब एक दो दिन में नहीं फर्क पड़ा तो वो दूसरा इलाज शुरू कर देता है, फिर नहीं पड़ा तो तीसरा इलाज शुरू कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम तो उससे बढ़ते बढ़ते बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे एक्सपायर हो जाती है कैट, सबसे ज्यादा सुनने में ऐसा आता है, अक्सर लोग बताते हैं, तो इस वजह से किटन ही यूज करवाए बहुत बेहतर। तो दोस्तों हम आपको इनके पास जो भी कैट्स है उसका शॉक करवाएंगे, पहले तो इनको ये ट्रैवलिंग केज में रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब कोने कोने में छुपी है, कुछ इधर है कुछ वो कोने में है। और जैसे कि एक वीडियो में लास्ट टाइम एक वीडियो आई थी, मतलब अपनी वीडियो थी, उसमें कमेंट आए थे कि आप जब वीडियो बनाते हो उस टाइम आप साफ सुथरा रखते हो, बाकी बाद में नहीं रखते। तो मैं खुद पर्सनली यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर हमको ऐसा करना रहता तो हम पहले तो यहाँ पर ये कूलर हटाते और जो भी है वो टंकी हटाते, मगर ये एक मीन्स वो जगह ही है, हमने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ हमको थोड़ा सा थंबनेल लेना था तो हमने ये थोड़ा सा सेटअप रखा था, बस और कुछ नहीं किया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। मीन्स वीडियो बनाने के लिए सिर्फ चेंजेस करना ये तो मैं मीन्स हम यहाँ पर नहीं करते, और मैं भी दूसरी भी वीडियो बनाता तो उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करते। तो आपको अभी हम सारी कैट्स का शौक कराते हैं। तो दोस्तों अभी जो जो हमारे पास नई कैट्स आई है माविया का मेरा एक ही है ऐसा, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि गारंटी इसलिए कि अपना भाई है तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं। और जो भी कैट्स आई है मीन्स जो नई चीज़ें आई है यहाँ पर हमारे पास कैट, तो ये माविया आप सबको पूरा उसका अच्छे से डिटेल में बताइए। माविया एक एक करके आप पूरा क्लियर करिए कि मीन्स माविया की जो कैटरी है वहाँ पर किस टाइप की कैट्स आती है, हमको सिर्फ आपको ये दिखाना है। तो माविया एक एक करके बताइए, और हमने इसको थोड़ा सा उसमें डाला है क्योंकि कैट्स जो थी इधर उधर भाग रही थी तो उसके कारण हमको करना पड़ा, मगर उसमें नहीं रहती है, ऐसी ओपन ही रहती है, कोई केजेस नहीं है, मगर कुछ कैट्स जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है जो दूसरी कैट्स को मारती है उनको तो सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों कैट्स को नुकसान हो सकता है। तो माविया बताइए अभी आपके पास कैट कौन सी? हाँ, एक तो ये है कैलिको, लाइट कैलिको में, लाइट में ये बच्चे माशाल्लाह पूरे एक्टिव है। हाँ ये कैलिको है ना, ओके। दूसरी वाली जो है उसके अलावा हमारे पास ये है दोस्तों कैलिको, आप देख सकते हैं। ये क्वालिटी आपको सिर्फ दिखाना है कि बाकी क्वालिटी देखिए, ट्रिपल कोट में व्हाइट कलर की दोनों फीमेल किटन है, ये दोनों फीमेल यहाँ पर ये किटन है जी, छोटे छोटे बच्चे, ये 2-2.5 महीने के होंगे? ये 2-2.5 महीने के होंगे माशाल्लाह, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है आप देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब माविया से 2 कैट ली थी तो वो यही एज की थी, तो उस टाइम हमने ली थी तो इनको थोड़ा सा इनके नाखून बहुत ही ज़्यादा तेज है। और दूसरी वाली जो है एक तो यहाँ पर ऑड आई है, ऑड आई बहुत रेयर होती है, ये 2 मेल किटन है हमारे पास, ये दोनों देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की। और दोस्तों ये देखिए, ये ऑड आई है, आप ये वाला ऑड आई है और ये नॉर्मल आईज है, तो ये है क्वालिटी, और ये दोनों मेल है और ये डॉल फेज में है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, मीन्स क्वालिटी आपको सिर्फ दिखानी है ना? ये है मेल और ये जाते ही खाने को लग गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं फैलान भाई, ये तो दोनों, ये दोनों फीमेल किटन है ट्रिपल कोट की, दोनों की दोनों फीमेल किटन, ये बहुत ही प्यारी है, मेरा एक मन तो है कि इसमें से एक आध घर पे लेके जाना, ये वाली नहीं दूसरी वाली, इसके बाद जो आएगी वो आपको मैं दिखाऊंगा, मगर मेरे घर पे ऑलरेडी 2 कैट्स है, तीसरी कैट को वो अलाउ ही नहीं करने वाले,
तो ये है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और दूसरी भाविया जो मैं सोच रहा था कि घर पे लेके जाऊँ, मगर घर वाले मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे अगर मैं लेके गया तो। ये देखिए फिलहाल में ये पेयर है, मेल फीमेल का शो क्वालिटी लॉन्ग हेयर में एक। हाँ जैसे कि मैं, ये फीमेल है, ये वाली फीमेल है, ये वाली फीमेल है, ये मेल है, ये दोस्तों ये पेयर है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा पेयर है, देख सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। इसमें से मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं एक बार मावी आप लोगों को थोड़ा बताइए, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। ये तो पता चलेगा, ये मेल में तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ। वाइट वाले में बता देता हूँ आपको, वाइट वाले में वाइट वाला आराम से सेठ जी देखिए। हाँ। ये वाली फीमेल लीजिए, वाला बताइए, ये वाली, इसको आपने उल्टी करना, ओके, ये इधर दिखाना। हाँ। ये देखिए, ये जो है मेल जो है पहचान। हाँ। मेल फीमेल को आप पलटाइए, फीमेल के डबल डॉट रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये देखिए मेल का ये वाला हिस्सा जो है ये उठा हुआ रहता है, आपको लोगों को दिखाइए, मतलब इसमें दिखेगा नहीं, आप सिर्फ बता दीजिए उनको कि कैसा मेल फीमेल का ऐसा है फैजान भाई की। हाँ। जो फीमेल रहती है इसकी नीचे पॉइंट की जो जगह है वो वहाँ पर डबल डॉट रहते हैं, ठीक है, और मेल का एक ही डॉट रहता है और एक उठाव वाला हिस्सा रहता है उस जगह पे, तो उससे बहुत इजीली पहचान हो जाती है उठाव वाला। हाँ, यानी एक दिन के सीटन में भी पहचान हो जाती है। एक बार और डबल से बताइए, जो फीमेल है, फीमेल जो है उसको डबल डॉट रहते हैं, ठीक है, एक डॉट उसके वहीं जस्ट चिपका हुआ दूसरा डॉट रहता है। हाँ। जो मेल है। हाँ। उसका एक डॉट और एक उठाव वाला हिस्सा रहता है उस जगह पे, तो उससे बहुत इजीली पहचान तो हो जाती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मेल फीमेल को कैसे पहचानना है। आप अगर मेल्स आपके घर पे कैट्स ने बच्चे दिए तो इजीली आपको वहाँ पे पहचानना आ जाएगा। और ये फीमेल है, फीमेल ज़्यादा आपको। एक बात और मैं यहाँ पर माविया से पूछना चाहूँगा, माविया बिल कैट्स के साथ रहता है, मैं भी रहता हूँ, मेल या फीमेल में कौन सा ज़्यादा फ्रेंडली रहता है? फीमेल रहती है ज़्यादा, फीमेल ज़्यादा फ्रेंडली रहती है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी दो फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मैंने कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी डाली है, जब मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो उसमें मीन्स वो सुबह सुबह मेरे ऊपर आके सो जाती है, तो वो फीमेल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है, इसलिए मैंने दो फीमेल ली, एक फीमेल नहीं ली, है ना। तो ये भी अच्छा है। और जो दूसरी कीटन से देखिए, ये भी मेल किटन है, शो क्वालिटी लॉन्ग हेयर में हमारे पास। ओके, आप देख सकते हैं। और देखिए ये भी है, और फ्रेंडली मैं कैसे बोल रहा हूँ कि देखिए ये बहुत ही भागने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले जो फीमेल थी ये इसी की बहन थी, हाँ इसी की बहन थी, वो एकदम ईजिली रुक रही थी, और ये भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है भागने की, तो ये आप ऐसा बोल सकते हो फ्रेंडली, ये थोड़ा मेल नहीं आते। अब ये सब अपनी अपनी सोच है कि आपको कौन सा आप रखना है घर पे, मेल रखना है फीमेल रखना है, ये आप सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप देख सकते हैं कि ये बाय कलर में मेल किटन है, ये बाय कलर में मेल किटन है, जी मेल है, ये बाय कलर में, ये डबल कोट में, ये डबल कोट में दोस्तों जी, और ये वैन कलर में मेल किटन है, वैन कलर जी, वैन। इसको आप देखोगे यहाँ डॉट आएगा ब्राउन, इसकी पीठ पे है और दुम कप पर ब्राउन डॉट है, डॉट डॉट, तो ये वैन कलर में है मेल किटन। ओके, और दोस्तों ये है, एक ये कैलिको, एक और लाइट कैलिको है हमारे पास फीमेल किटन। ये सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट क्या है? ये फैलान भाई ये जो है ये डबल कोट है। ओके, इनकी फर क्वालिटी लेकिन बहुत अच्छी जाएंगी, अभी तो फिर इनको खिलाई की थोड़ी कमी है, खिलाई की कमी अभी है। अभी आए ये फीमेल, अभी दो दिन ही हुए फीमेल है। हाँ, ये फीमेल किटन है। तो कैलिको में क्या सिर्फ फीमेल ही आती है, ऐसा रहता है क्या? कैलिको में सबसे ज़्यादा फीमेल ही आती है, बहुत कम रेयर केस, रेयर केस में कैलिको में रेयर केस में मेल मिलते हैं, तो उनका कॉस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा होती होगी, है ना? जी जी। और ये डार्क कैलिको है, ये तो डार्क कैलिको है, ये तो आपने बताई थी मुझे, ये थोड़ी बदमाश फीमेल है, ये इसके आसपास कोई दूसरी फीमेल नहीं आ सकती, मीन्स कोई सा भी बड़ी कैट तक मेरी इसके पास आती है, ये थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप है, मगर है बड़ी प्यारी, ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे, और ये शो क्वालिटी है। और एक चीज़ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी वो ऑब्जर्व किया है कि हेयर, जो कैट्स का हेयर फॉल होता है वो कब कब कंडीशन में होता है? हेयर फॉल का तो ऐसा है फैजान भाई कि हेयर फॉल नॉर्मली जैसा पर्शियन कैट के बाल बड़े रहते हैं तो नॉर्मली बाल तो थोड़े बहुत निकलते हैं तो उसको हेयर फॉल नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहे हैं बाल तो
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहे तो वो हेयर फॉल कहलाते हैं। वो हेयर फॉल वो उससे कैल्शियम की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी की वजह से ज्यादातर हेयर फॉल होते हैं कैट को, कैल्शियम की कमी हो गई उसको बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये सब ख्याल रखना है हमको इनका। और फूड के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा चीज भी देना है इनको, जैसा बॉइल अंडा हो गया, बॉइल चिकन हो गया, ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज देना पड़ता है, इससे इनको बहुत फर्क पड़ता है हेयर फॉल के अंदर। और मेरा यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी दो फीमेल है, मीन्स मेरे पास स्टार्टिंग में तो मेरे को दो चार महीने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई हेयर फॉल की, मगर हेयर फॉल कैट्स को जब भी आता है, जब वो स्ट्रेस में रहती है या बहुत डरी हुई हो, या मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस में आ गई तो बहुत ही ज़्यादा उसका हेयर फॉल होता है। जैसे कि मेरे पास जब कैट थी 3 या 4 महीने तो उसको कुछ भी हेयर फॉल नहीं हुआ, मगर एक स्ट्रीट कैट जो कि बहुत बड़ा मेल था, ऐसे ही मीन्स हमारी कैट, मेरी कैट्स केज में नहीं रहती है, नॉर्मली घर में घूमती रहती है, तो ऐसी हॉल में दोनों कैट्स बैठी थी और उस हॉल में कोई नहीं था, मीन्स वहाँ पे था कोई नहीं, अदरवाइज कोई ना कोई उस कैट्स के पास रहता है, मगर जब वहाँ पे एक बाहर के उसने आके उन पे हमला किया, वो दोनों कैट से मेरी इतनी ज़्यादा डरपोक है कि वो दूसरे बिल्लियों से भी डरती है, दूसरे बिल्ली, ये नॉर्मल कॉमन मीन्स जो ये हमारी जो नॉर्मल पर्शियन कैट आती है वो उनसे भी डरती है वो दोनों कैट्स, मगर वो एक दूसरे से नहीं डरती वो है। तो वो बिल्ली ने हमला तो करा, उसको पकड़ा, ज़्यादा नहीं पकड़ा, थोड़ा सा पकड़ा, फिर हमने जैसे भी उनने चिल्लाई, अलग ही आवाज़ में चिल्लाई, डरी आवाज़ में, तो हमने उसको भी कैसे भी करके उस कैट से दूर किया। तो उसके बाद जो हुआ 3-4 दिन बाद उसके हेयर फॉल मीन्स बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस तो ये भी कहता है कि भाई अगर आपकी कैट्स एक स्ट्रेस में डरी हुई है तो तभी भी उसका हेयर फॉल होना है। और मैंने कई सारी मेडिसिन भी देखी, कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देखे, थोड़ा पढ़ा भी उसके बारे में, कुछ एक्सपीरियंस लोगों से भी मैंने पूछा कि क्या है, तो मेरा तो नतीजा यही है कि हेयर फॉल का भाई कोई भी मेडिसिन नहीं होती। जो कि माविया ने बताया कैल्शियम की कमी है, तो आप उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करिए, उसे अंडा दीजिए, है ना, बॉयल चिकन दीजिए, अगर आपके पास चिकन नहीं रहता है, आप चिकन नहीं, फुल वेजिटेरियन हो तो आप अंडे देने की कोशिश करिए। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि कोई भी मेडिसिन उसकी नहीं होती, अगर आपको कोई मेडिसिन बोल के दे रहा है कि हेयर फॉल की मेडिसिन है, तो मेरा तो भाई यही है एक्सपीरियंस, मेरे को यही लगा कि भाई उसका कोई मेडिसिन है नहीं, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। असल में फैजान भाई, ये हेयर फॉल जो है कैट के होते हैं ये कमी की वजह से, तो अपन उसको नेचुरल चीज़ से ही सही करें उसका हेयर फॉल, दवा वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है उससे, और कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है कैट को, ठीक है। अब जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट जो है, इनको जैसा बॉयल अंडा ये सब देता हूँ, आप खुद देखिए हेयर फॉल का नामो निशान नहीं है, लेकिन नॉर्मली पर्शियन कैट है तो थोड़े बहुत बाल तो गिरेंगे, क्योंकि बड़े बड़े बाल, अगर आपके पास पर्शियन कैट है तो भाई मेरी शर्ट का हालत देखिए, मैंने नई शर्ट ली है और अभी आप इसको थोड़ा जूम करके बताइए, इस पर आप देख रहे हो मैंने कैट्स ली थोड़ी बहुत, तो ये एक साइड इफेक्ट है, मगर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैट से लव करते हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी शेड तो और आ जाएगी, मगर कोई टेंशन नहीं है जी, इतने तो होते, इतने तो क्योंकि बड़े बाल है, अब जो नॉर्मल कैट रहती है उसके भी गिरते हैं, लेकिन दिखते नहीं है उसके, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे बाल रहते हैं उसके, लेकिन पर्शियन के अब आपको मालूम है 3-4 इंच के बाल रहते हैं, थोड़े बहुत निकलते ही है, अपने सर के भी निकलते बाल, तो थोड़े बहुत निकलते हैं, जब ज़्यादा निकल रहे तो वो समझो कि किसी चीज़ की कमी है, तो यानी जब ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल तो वो कैल्शियम की कमी है, तो अपने को उसको नेचुरल चीज़ से ही उसको काबू करना है, वो कमी को ठीक है पूरी करना है, कोई मेडिसिन मत खरीदिए, मेरा तो ये ओपन ही है, एक्जॉटिक बर्ड्स का मैं ओनर हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, कोई मेडिसिन नहीं है हेयर फॉल की, आप ना लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों ने मेडिसिन दी हो तो उसका प्रॉफिट उनको मीन्स थोड़ा फ़ायदा उनको दिखा हो, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना मेरे को लगा कि कोई मेडिसिन है, मैं इसे थोड़ा स्ट्रेस में कम करिए, आपके पास जो कैट्स है उसको जितना प्यार आप दे सकते हैं, उसका जितना केयर कर सकते हैं करिए, हेयर फॉल का प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगा, है ना। और मैं इसी वीडियो में ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कैट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, मीन्स जैसे कि कुछ बीमारी हो और आपकी कैट्स खाना नहीं खा रही, उसको वोमिटिंग हो रही है, मोशन लग रहे हो, तो माविया का डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको कॉल करिए, और जो भी हो भाई
अब तो करना है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माविया फ़ोन नहीं उठाता, भाई देख लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, माविया मीन्स मैंने इसके भी पहले कई सारी वीडियो डाली बर्ड से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, पिजन से रिलेटेड, तो उसको एक बंदे को अगर आपको 200 कॉल आए तो आप खुद जो लोग देख रहे हो आप खुद कमेंट करके बताइए, अगर आपको 200 कॉल मिनिमम मैं बता रहा हूँ 200 कॉल आए तो हम कुछ ना कुछ लोग छूट जाते हैं, 2-4 लोग छूट जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, भाई एक तेरे से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मदद कर लोगों को और रिप्लाई कर दे, थोड़ा सा थोड़ा आपका रिप्लाई लेट हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी बंदा हमारा सब्सक्राइबर अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो उसको कैट से रिलेटेड क्या फूड देना, क्या पिलाना खिलाना, कब ट्रिम करना, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो डिस्क्रिप्शन में माविया का नंबर है, उससे जाइए और कांटेक्ट करिए। एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अभी के थैंक यू सो मच।